की खबर। सपना चौधरी और मनोज तिवारी की मुलाकात। सपना चौधरी की आवाज पर यह मुलाकात हुई है। मनोज तिवारी और सपना के बीच एक बार फिर से ये तस्वीर, आपको याद होगा इससे पहले भी सपना और मनोज तिवारी की मुलाकात की एक तस्वीर आई थी जो सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियों में रही। अब एक और तस्वीर सामने आ गई है सपना और मनोज तिवारी की। सपना चौधरी के आवास की तस्वीर बताई जा रही है। चुनाव प्रचार समेत कई मुद्दों पर बात हुई है। कहा यही जा रहा है कि चुनाव प्रचार, क्या सपना चौधरी बीजेपी के लिए प्रचार करेंगी, इसको लेकर कयास। दक्षिण दिल्ली में प्रचार करेंगी सपना, सूत्र ये कह रहे हैं कि दक्षिण दिल्ली में प्रचार करेंगी सपना चौधरी। सूत्रों के हवाले से ये खबर। उत्तर पूर्वी दिल्ली में प्रचार करेंगी, कहां कहां पर सपना दिल्ली में प्रचार कर सकती हैं उसको लेकर ही ये मुलाकात अहम बताई जा रही है। दक्षिण दिल्ली में प्रचार करेंगी सपना, सूत्र ये कह रहे हैं, और साथ ही उत्तर पूर्वी दिल्ली में भी प्रचार करेंगी सपना चौधरी। बीजेपी के साथ प्रचारक हो सकती हैं सपना चौधरी, ये भी अहम खबर है चुनाव के लिहाज से। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अब सपना का भी नाम शुमार हो सकता है। फिलहाल पार्टी से जुड़ने का ऐलान नहीं किया। फिलहाल सपना ने पार्टी से जुड़ने के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया, ऐलान नहीं किया है। लेकिन ये बड़ी और अहम खबर है, सपना और मनोज तिवारी की मुलाकात दिल्ली में होती है सपना चौधरी के घर पर, और फिर चुनाव प्रचार को लेकर बातचीत होती है, चर्चा होती है। अब क्या सपना चौधरी दिल्ली में प्रचार करेंगी या फिर दिल्ली से बाहर भी वो प्रचार करेंगी बीजेपी के लिए? अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं कि दक्षिण दिल्ली के अलावा भी अलग अलग हिस्सों में प्रचार कर सकती है सपना चौधरी। जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुमार पुष्कर दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुके। कुमार, एक बार फिर से तस्वीर सामने आ गई है सपना और मनोज तिवारी की मुलाकात की, क्या चर्चा हुई, क्या बात हुई, जरा बताइएगा तफसील से। देखिए, मनोज तिवारी ने साफ तौर पे 30 को कहा था, 30 के पहले ये कहा था कि 30 को एक बड़ी खबर आएगी, दावा किया था। और फिर आज कल देर रात सपना चौधरी के आवाज पर मनोज तिवारी की मुलाकात हुई। साफ तौर पे ये कहा जाए कि करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात चली है, और साफ तौर पे मनोज तिवारी की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि सपना चौधरी अब उनके लिए प्रचार करेंगी, खासकर दिल्ली में जो जाट और पूर्वांचल जनसंख्या वाली जो दो क्षेत्र है, दक्षिण और उत्तर पूर्वी लोकसभा, उसमें जाट और पूर्वांचल के लोग भारी संख्या में है। तो कहीं ना कहीं सपना चौधरी बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। अभी तो आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन साफ तौर से जिस तरह से कल 1.5 घंटे मुलाकात हुई है, लगता है कि सपना चौधरी बीजेपी के लिए प्रचार करने के लिए मान गई। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा ठीक है। कुमार, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। Thank you.
चलिए आगे बढ़ते हैं। इटावा से बड़ी खबर है।